रिकॉर्ड टूटा चौकीदार कहाँ है? पेट्रोल में मिलावट चौकीदार कहाँ है? पूरे दिन वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। भाजपा सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। महंगाई का राक्षस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सत्ता विरोधी भाजपा हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। विरोधी भाजपा हाय हाय, हाय हाय, हाय। महंगाई समर्थक भाजपा हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। रिकॉर्ड टूटा चौकीदार कहाँ? चौकीदार कहाँ है? पूरे दिन वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। पूरे दिन वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। भाजपा सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मोदी सरकार इस्तीफा दो, राक्षस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनता विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऊंची बात समर्थक भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गैस का दाम जो है वो 900 और 1000 रुपए के करीब पहुंच चुका है। कहां है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये दुहाई देती थी कि अगर उनकी सरकार आएगी तो महंगाई के ऊपर अंकुश लगाया जाएगा, लगाम कसी जाएगी। जितनी महंगाई भारतीय जनता पार्टी के दौर में देखने को मिली है उतनी आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली है। न केवल पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है बल्कि आम जिंदगी की जरूरियात की जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, उसमें भी बेहिसाब वृद्धि हुई है। और जिस तरीके से पेट्रोल को बेचा जा रहा है, 107 रुपए के करीब पेट्रोल पहुंच चुका है मुल्क के अंदर और उसमें इथेनॉल मिलाकर बेचा जा रहा है, मिलावट करके पेट्रोल बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों का कबाड़ बन रहा है और लोग इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने भी इस बात के ऊपर चिंता जाहिर की कि इथेनॉल जो पेट्रोल के अंदर मिलाकर पीछे से भेजा जा रहा है ये बहुत खतरनाक है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो लोगों को हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को आज पूरे हिंदुस्तान के अवाम को और जम्मू कश्मीर के अवाम को जवाब देना होगा, खास तौर पर क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी बड़े बड़े वादे किए। महंगाई की मार हम झेल रहे हैं, बेरोजगारी की मार हम झेल रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को यहाँ दबाकर जो है डराकर धमकाकर रखा हुआ है, महंगाई के ऊपर या दूसरे मसलों के ऊपर बात करने के लिए भी लोगों को जो है वो डराया और धमकाया जा रहा है, उस बात की पैंथर्स पार्टी कड़ी मजम्मत करती है और इन बढ़े हुए दामों को जल्द से जल्द सरकार को वापस लेना होगा। पेट्रोल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त सबसे कम चल रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी इतने टैक्सेस पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाए गए हैं, रोड सेस की शक्ल में, एग्री सेस की शक्ल में, एक्साइज ड्यूटी की शक्ल में, और इतने टैक्सेस लगाए हैं पिछले 6 महीने में लगभग 65 बार पेट्रोल और डीजल के दाम में जो है, भाव में जो है वो वृद्धि की गई है। ये सरासर गलत है और नाकाबिले बर्दाश्त है।